धार जिले के धामनोद में नगर पुलिस थाने पर आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक धामनोद SDOP NK करोटिया, थाना प्रभारी राजकुमार यादव और तहसीलदार योगेंद्र मौर्य के मार्गदर्शन में हुई। वहीं बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी, नगर परिषद के कर्मचारी, विद्युत विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने आगामी त्यौहार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर नागरिकों से अपील की है। SDOP कंसोटिया ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि कोरोना महामारी नगर में ज़्यादा फैल रही है, जिसके कारण लोगों द्वारा लापरवाही बरती जाना मुख्य है। लोगों से अपील है कि लापरवाही बिल्कुल न बरतें, घर के बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएँ, लोगों से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएँ। अगर बाजार में लापरवाही करते दिखाई दिए तो चालानी कार्यवाही की जाएगी। धामनोद से विशाल सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। रखी गई थी कि इसका मुख्य आयोजन रखने का क्या मतलब था? उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आगे आने वाले त्यौहार, ईद है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, गणेश चतुर्थी है और भी जो भी हिंदू मुस्लिम त्यौहार हैं, उन त्यौहारों को सामूहिक रूप से ना मनाएं और शासन के जो नियम हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामूहिक और एकत्रित होकर किसी प्रकार कोई कार्यक्रम न बनाए, जो भी कार्यक्रम बनाए अपने घर में बनाए और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको बनाए। इस संबंध में लोगों को समझाई दी थी, लोगों ने इस संबंध में समर्थन किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।